नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने बताया है कि लोगों को क्यों कांग्रेस का साथ देना चाहिए। राहुल ने कहा है कि युवाओं की पक्की नौकरी के लिए, महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए, किसानों को फसल पर MSP के लिए, श्रमिकों को मेहनत के सही दाम के लिए, पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के लिए, निर्णयों में सबकी भागीदारी के लिए, एकजुट और खुशहाल भारत के लिए दीजिए कांग्रेस के साथ, अब हाथ बदलेगा हालात। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस देश में सेवा की बहुत पुरानी परंपरा है। बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक बुजुर्ग महिला के घर गई, जहां उन्होंने काम में देरी होने की वजह से मेरे पिताजी को बहुत डांटा। मेरे पिताजी ने उनको समझाया कि काम हो रहा है। मैंने पिताजी से पूछा कि आपको महिला ने इतना डांटा, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी बात सुनूं, लेकिन आज देश में ये माहौल नहीं है। अगर आज आप अपने हक की बात करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस पकड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश में यह माहौल बना दिया है। चुनावी बॉन्ड में धांधली के आरोपों पर पीएम मोदी ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा है कि चुनावी बॉन्ड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्ष ईमानदारी से सोचेगा, हर किसी को चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पछतावा होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ये याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंदरे ने दायर की है। वह पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण से व्यथित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनकी पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खराब मुसलमानों के पक्षधर जैसी टिप्पणियां भी की। याचिका में तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि पीएम के भाषणों में वोटर्स के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने की क्षमता है। 21 रिटायर्ड जजों ने CJI DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पत्र में पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाए रखने की जरूरत है। इस पत्र में न्यायपालिका की साख को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व जजों ने कहा है कि कुछ तत्व राजनीतिक हितों और अपने निजी फायदों के लिए न्यायपालिका में जनता के विश्वास को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इस पत्र पर जिन 21 जजों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज और हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल हैं। इस चिट्ठी में पूर्व जजों ने कहा है कि दबाव, भ्रामक जानकारियों और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका की साख को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस चिट्ठी में जजों ने कहा है, हम खास तौर पर भ्रामक सूचनाओं और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। ये न केवल अनैतिक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के भी खिलाफ है। इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी, MR शाह ने हस्ताक्षर किए हैं। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें, देश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, यानी चुनाव शुरू होने से कम 10 दिन बाद तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ED को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ED ने कोर्ट में याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति के मुख्य आर्किटेक्ट हैं, जिनका उद्देश्य अवैध लाभ के लिए सदाबहार वाहन बनना था। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें ED के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ED के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस केस से जुड़े CBI के मामले में उन्हें कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। CBI ने सोमवार को के कविता को रायज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। CBI ने कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर सोमवार को पुलिस पहुंची। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू की शिकायत के सिलसिले में पुलिस ने पड़ताल शुरू की है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के पीए से पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची थी। साहू ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ के निजी सहायक ने एक फर्जी वीडियो फैलाया है जो कथित तौर पर आपत्तिजनक है। बता दें, साहू ने पहले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। साहू ने कमलनाथ के पीए आर के मृगनाली और सचिन गुप्ता नाम के एक शख्स के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि गुप्ता से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन मृगनाली से अभी पूछताछ नहीं की गई है। बीजेपी सांसद आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव नरहुआ का बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। वो वायरल वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बताइए, मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। इसको कांग्रेस नेता और लोग शेयर कर रहे हैं। इस पर अब दिनेश लाल ने कहा है कि शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो फेक नहीं है। दिनेश लाल ने इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद जुबैर ने ये तक बता दिया है कि किसको इंटरव्यू दिया है और कितने मिनट का दिया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर टिकट दिया है। इसको लेकर बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेकर झुंझुना बजा रहे हैं, जिसको जहां से चाहें लड़ाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं मनोज तिवारी को हरा सकती है। बता दें, कन्हैया कुमार ने पिछले चुनाव बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था। लोकसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार और धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान जब हमारे देश का बना था, तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। जब परिस्थितियाँ कुछ और थीं, अब कुछ और हैं। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का कुछ ऐसा बड़ा करने की इच्छा है, इसी के जवाब में अरुण ने कहा कि मुझे ये महसूस होता है क्योंकि मोदी जी ऐसी ही कोई बात नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संविधान बदलने को लेकर दिए जा रहे बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि ये बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग भी यहाँ चंडीगढ़ आए हैं इसीलिए आए हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। मनीष तिवारी ने कहा है कि जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कामकाज है उसका हिसाब जरूर लेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी बराबरी के साथ चुनाव लड़े तो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धनबल का इस्तेमाल और छलबल का इस्तेमाल ना करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी को 214 से 240 सीट से ज़्यादा मिलने नहीं जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में परसेप्शन बनाने के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में ये नहीं होगा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल मुख्य रूप से चुनावी मैदान में हैं।
एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ कांग्रेस को सबसे अधिक 7 सीटें मिल सकती हैं, आपको 4 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल को कोई भी सीट नहीं मिल सकती है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें गुजरात में राजपूतों का जनसैलाब उमड़ा है। इस वीडियो को लेकर अखिलेश ने लिखा है कि भाजपा के विरोध में राजपूत समाज की नाराजगी का ये महाजन सैलाब बता रहा है कि चाहे गुजरात हो, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, हर जगह क्षत्रिय राजपूत ठाकुर समाज अपने मान सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ है। भाजपा को ये अधिकार कभी नहीं है कि वो किसी समाज का अपमान करे। भाजपा याद रखे, जिन्होंने उन्हें सत्ता दी वही उन्हें सत्ता से बाहर करने की सौगंध उठाकर उन्हें बुरी तरह पराजित करेंगे। ये समाज जो वचन उठाता है उससे कभी फिरता नहीं। मतदाताओं को अपना राजनीतिक बंधुआ बनाने की भूल भाजपा के पतन का कारण बनेगी। अमेरिका ने इसराइल को चेताया है कि अगर वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसमें साथ नहीं देगा। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है। बता दें, शनिवार देर शाम ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। ईरान का कहना है ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर इसराइल के हमले के जवाब में किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को अपनी प्रतिक्रिया में संयम से काम लेना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक और रणनीतिक तरीके से सोचना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल या अमेरिका ने ईरानी हमले का जवाब दिया तो वो और अधिक ताकत से हमला करेगा। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने स्टेट टीवी को बताया कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया आज रात की सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। तुर्की, जॉर्डन और इराक के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले से कुछ दिन पहले नोटिस दिया था। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने भी कहा है कि ईरान ने पड़ोसी देशों और इसराइल के सहयोगी अमेरिका को हमले शुरू करने के लिए 72 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन को चेतावनी नहीं दी थी और उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना था। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान का जवाबी हमला अमेरिकी अधिकारियों की अपेक्षा से अधिक सुपीरियर क्वालिटी का था। एजेंसी ने नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि हाई इंटरसेप्शन रेट के बावजूद ईरान का इरादा नष्ट करना और हताहत करना था, और अगर सफल होता तो हमले पूरे मध्य पूर्व में बेकाबू एस्केलेशन का कारण बनते। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान से फ़ोन पर बात की है। एस जयशंकर ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एस जयशंकर ने बताया है कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के सामने मालवाहक जहाज एमएससी एरीज पर सवार चालक दल के 17 भारतीय लोगों को रिहा करने की मांग की है। जयशंकर ने इस फ़ोन कॉल के दौरान क्षेत्र के ताज़ा हालात, तनाव को और ना बढ़ाने के महत्व, सब्र से काम लेने और तनाव को कूटनीति के जरिए कम करने पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों को इसराइल से जुड़े जहाज एमएससी एरीज को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 17 भारतीय चालक दल के लोगों से मिलने की अनुमति देगा। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।